हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F2 एरर कोड के बारे में। कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F2 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F2 एरर कोड के बारे में। कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F2 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये इंडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपको आउटडोर यूनिट में मिलेगा। तो आप इंडोर यूनिट को ना खोलें, आप डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पर जाएं और आउटडोर यूनिट को पूरा खोल दें। अब आउटडोर यूनिट को पूरा खोलने के बाद में जो हमारा कंडेंसर कॉइल में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो हमारा कंडेंसर का जो टेम्परेचर को नापता है ना, कंडेंसर कॉइल का जो टेम्परेचर नापता है, वो वाला सेंसर को हमें चेक करना है। सिर्फ हमें उसको ये देखना, सबसे पहले उसकी वायर पे आप नजर डालना, उसकी वायर कहीं से कट तो नहीं गई या फिर जल तो नहीं गई। किसी भी रीजन से अगर वायर कटी है या फिर जली है तो आप उसको ठीक कर दें, और अगर वो बहुत बुरी तरीके से जल गया तो आप सेंसर को चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, अगर वायर ऑलरेडी ठीक है, कटी हुई भी नहीं है, जला हुआ भी नहीं है वायर, तो फिर आप पीसीबी कार्ड में ये देखें सेंसर का जैक प्रॉपरली लगा हुआ है ठीक से या फिर नहीं, लूज तो नहीं है कहीं, एक बार हिला के चेक करें उसको। अगर लूज होगा तो उस रीजन से भी हमें F2 एरर कोड देखने को मिलेगा कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। बट गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर F2 एरर कोड देखने को मिल रहा है तो फिर आपके दो ऐसे रीजन रह जाते हैं जिनकी वजह से हमें F2 एरर कोड देखने को मिलता है, फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। आप सबसे पहले फिर सेंसर को चेक करेंगे, अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वो सेंसर शॉर्ट सर्किट की वजह से फॉल्टी हो जाता है, तो उस रीजन से भी हमें F2 एरर कोड देखने को मिलता है। पहला रीजन यही है हमारा F2 एरर कोड आने का कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, अगर सेंसर फॉल्टी हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो उसी रीजन से हमें देखने को मिलता है F2 एरर कोड। अब दूसरा रीजन है हमारा पीसीबी कार्ड में फॉल्टी, अगर पीसीबी कार्ड फॉल्ट हो जाएगा तो उस रीजन से भी हमें देखने को मिलेगा। पीसीबी कार्ड अगर सेंसर को वोल्टेज मतलब करंट नहीं देगा ना, तो उस रीजन से भी हमें F2 एरर कोड देखने को मिलता है। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको सेंसर की रेजिस्टेंस निकालनी आती है तो आप क्लैंप मीटर से वही निकाल के चेक कर लें कि सेंसर ठीक है या फिर खराब है। अगर सेंसर खराब होगा तो फिर आप ओनली सेंसर को निकाल के ले जाएं और मार्केट से खरीद के लाएं और उसमें लगा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, अगर सेंसर ठीक है तो फिर पीसीबी कार्ड खराब है आपका, फिर पीसीबी कार्ड को खोल के लेके जाना पड़ेगा आपको, उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमसे भी रिपेयर करा सकते हैं, आप कहीं से भी हो इंडिया में, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का आपको लिंक दे देंगे, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमारी हेल्प चाहिए, हमसे आपको कुछ जानकारी लेना, अगर ये वीडियो देख के भी समझ में नहीं आया तो अभी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां जाके हमें फॉलो कर लीजिए और कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको हम कॉल पर दे देंगे। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।